अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को ही निकाला, अब इस खिलाड़ी को बनाया परमानेंट कप्तान। बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा की खाली कुर्सी भरी है। फरवरी में जब पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने किस्टिंग ऑपरेशन के बाद इस्तीफे दे दिया था, इसके बाद से मुख्य चयनकर्ता का पद खाली था। अब बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को नया मुख्य चयनकर्ता बनाया है। मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अजीत अगरकर के सामने अब बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम चुनने की बड़ी चुनौती होगी। टीम इंडिया अगस्त में एशिया कप 2023 खेलने जाएगी, जिसके लिए अजीत अगरकर टीम का चयन करेंगे। रोहित शर्मा की जगह अजीत अगरकर एशिया कप 2023 के लिए टीम की कमान संभाल सकते हैं। आइए जानते हैं एशिया कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय टीम कैसी होगी। अजीत अगरकर करेंगे रोहित शर्मा को आउट। टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन कर लिया है। एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया का चयन करना अजीत अगरकर का बड़ा काम होगा। एशिया कप 2023 में टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए कई युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह दी जा सकती है। एशिया कप 2023 के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। इसके साथ ही टीम की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी जा सकती है। युवा खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर एशिया कप 2023 के लिए युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका दे सकते हैं। आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह को टीम में मौका मिलता दिख रहा है। वहीं स्टार विकेटकीपर संजू सैमसन को भी टीम में मौका दिया जा सकता है। संजू फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में शामिल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।